नमस्कार साथियों, आपका लवली पल किचन एंड क्रिएटिविटी चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी बथुए का रायता। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मट्ठे को या दही को अच्छे से फेंट लेंगे। फेंटने के बाद में इसको पतला करने के लिए थोड़ा में पानी ऐड करेंगे। फिर ऐड करने के बाद में इसमें क्या करेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्ची उसी मट्ठे में, जीरा पाउडर, रायता मसाला, मेरा घर का पिसा हुआ हरा नमक 2 चम्मच मैंने ऐड किया है, काला नमक, जीरा, हींग, भुना हुआ, सभी चीजें ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद में क्या करेंगे, ये ब्लैक पेपर देखो मैं यूज करती हूँ, काली मिर्ची ऐड करेंगे। फिर इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद में हम लोग मैं क्या करूंगी, जो बथुआ है पहले मैं रायता तैयार कर लेती हूँ। रायता तैयार करने के लिए फिर मैं तड़का लगाने के लिए छोटा सा पैन रखूंगी गैस को ऑन करके, उसमें सरसों का तेल डालूंगी, फिर उसमें साबुत जीरा, हींग, फिर अपना तड़का जब भुन जाएगा तो भुनने के बाद में क्या करूं, जो हम लोगों ने मट्ठा मैंने तैयार करके रखा है उसमें जो तड़का है, ये देखिए मैं तड़का लगाने के लिए पैन मैंने रख दिया है, तड़का पैन, जीरा डाल दिया, हींग डालूंगी, हींग डाल दिया, अब तड़का जो अपना है मट्ठे में डालना है। डालने के तुरंत बाद में इसमें मट्ठे को पीरियड से या ढक्कन से किसी चीज से भी ढक देना है, ताकि जो हम लोग तड़के की स्मेल है वो उसके अंदर ही, मट्ठे के अंदर ही समाहित हो जाए। अब मैं क्या करूंगी, जो बथुआ है बथुए को अच्छे से धुल लूंगी। धुलने के बाद में इसकी पत्तियां निकाल लूंगी, इसकी टहनियां है, टहनियां अच्छी भी नहीं लगेंगी, फिर उबालने में भी टाइम लगेगा, तो पत्तियां निकालने के बाद में मैं इसको 10 मिनट के लिए उबलने के लिए रख दूंगी। अगर आप इसमें नमक डाल देंगे तो ये और भी जल्दी उबल जाएगी। ये देखिए मैं एक बार इसको चला के भी देख लूंगी। देखने के बाद में अब मैं क्या करूंगी, इसको 10 मिनट बाद में जो मट्ठा है, जो बथुआ है उबल चुका है। उबलने के बाद में अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद में अब क्या करेंगे, इसको एक मिक्सी जार में निकाल लेंगे। मिक्सी जार में निकालने के बाद में अब इसको महीन नहीं पीसना, मतलब पतला नहीं पीसना, इसको दुड़दुड़ा पीसना है। पीसने के बाद में क्या करें, जो मैंने मट्ठा तैयार करके रखा है उसमें ये जो पीसा है बथुआ उसको ऐड कर देंगे। अब देखिए ये बथुए का रायता बिल्कुल बन के रेडी है। इसको आप चावल के साथ में खाइए, रोटी के साथ में खाइए, किसी के साथ में भी खाइए, ये बहुत टेस्टी लगता है। इसका जो कड़वापन, जो स्मेल होती है बथुए की, वो भी नहीं आती उबलने के बाद, लगता ही नहीं है कि बथुए का रायता है। बहुत ही टेस्टी लगता है, आप लोग भी एक बार अपने घर पे जरूर बनाइएगा। प्लीज मेरे चैनल इसकी रंगत देखिए, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नई रेसिपी मैं क्या बनाऊं उसके लिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।